आजमगढ़ जिले के सदर तहसील के सिदारी क्षेत्र के जयरामपुर के ग्रामीण आज अखिल भारतीय अम्बेडकर विचार मंच जन कल्याण समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में सदर तहसील पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन कर एसडीएम सदर गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव लाल बहादुर त्यागी ने मीडिया को बताया कि 8 साल से ग्रामीण अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने के लिए अधिकारियों के यहाँ फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह आक्रोशित होकर आज धरना प्रदर्शन को मजबूर हुए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही तो इससे भी विरुद्ध आंदोलन करने को हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। इधर देखिए सर, इधर इधर मीडिया इधर है। अपना परिचय दे दें। मैं लाल बहादुर त्यागी बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं। आज किस संबंध में क्या मामला है? मामला ये है कि जयरामपुर गांव है सिधारी थाना के अंतर्गत, लेकिन आज 8 साल से वहां के दलित बस्ती के लोग, वहाँ के मूल निवासी के लोग हमेशा एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, मुख्यमंत्री को, कमिश्नर साहब को, तमाम लोगों को लेटर पे लेटर दिए, जाकर के मिले कि ये जो है सुरक्षित जगह है, यहाँ अंबेडकर मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी 1 साल पहले फिर जो है कि दोबारा पूरे शासन प्रशासन को लेटर यहाँ के हमारे नौजवान जयरामपुर बस्ती के तमाम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हम बहुत छोटे पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, माननीय एसडीएम सदर आजमगढ़ को ज्ञापन दे रहे हैं। और अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई, हमारे ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई, तो इससे बड़ा आंदोलन कई संगठन के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, बहुजन क्रांति के मोर्चा के लोग, भीम आर्मी के लोग, तमाम संगठन के लोग एक होकर के पूरे जिले स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं कि हमारे अगर सुनवाई नहीं होती है, बाबा साहब की मूर्ति इस अप्रैल से पहले नहीं लगती है, तो हम बहुत बड़े धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी हम करेंगे। बाधक बन रहा है मूर्ति लगवाने? बाधक ये मतलब कुछ सवर्ण लोग हैं, उस गाँव के तत्काल एक सवर्ण है जो कि उनके पति इसी चकबंदी विभाग में रहते हैं, और वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि उनके वजह से, सवर्णों के वजह से उस खाली जमीन पे अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने वो लोग दे रहे हैं, शासन प्रशासन को रोक दे रहे हैं। जिस मूर्ति पे आप मूर्ति लगाना चाह रहे हैं वो मूर्ति किस मद में है या किस जमीन? वो अंबेडकर पार्क है, उसका जो है कि उसका लेखा जोखा है क्षेत्रीय नेकपाल ने भी उसका चिन्हित कर दिया है, उसमें लिख दिया है कि ये सुरक्षित जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के नाम से ये सुरक्षित है, उसके बाद भी मूर्ति नहीं लग रही है। बता देगा आप लोगों को क्या है मामला और क्या आश्वासन दिया गया? हाँ देखिए, जो ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है अंबेडकर की मूर्ति के लिए जो दिया गया है, इसको जहाँ जहाँ संदर्भित किया गया है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा अधिकारियों के पास और समस्या का निस्तारण जल्द कराया जाएगा। बड़ा आंदोलन के लिए कह रहे हैं तो जल्द नहीं नहीं आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनको बैठा कर हम देख लेंगे बातचीत करके कि क्या समस्या इनकी है और समय से उसे निस्तारण कर देंगे।